अस्सलामुअलैकुम। आज हम इंडो चाइनीज स्टाइल में सैंडविचेस बनाने वाले हैं, चीज़ी सैंडविचेस। इसमें चिकन भी है, सब्जियां भी हैं, थोड़े थोड़े सॉसेज हैं। ये सारे कॉम्बिनेशंस का सैंडविच आपने शायद ही खाया होगा। तो चलिए बनाते हैं इंडो चाइनीज चिकन एंड वेजिटेबल सैंडविच। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ, और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। हमने एक टेबलस्पून ऑयल को गर्म करने के लिए रखा है, जिसमें 2 टीस्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन मिलाएंगे। साथ में हम 1 टीस्पून चॉप किया हुआ अदरक भी डालेंगे। ये दोनों चीज़ों को हमने आधे मिनट पकाया। फिर इसमें हम चिकन के पीसेस डालेंगे। 100 ग्राम्स चिकन लिए हमने बोनलेस, छोटे छोटे पीसेस किए और फिर वॉश कर लिया अच्छी तरह। साथ में नमक मिलाएंगे। नमक हमने 1/2 टीस्पून के आसपास डाल दिया है। चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट, मीडियम फ्लेम रखा है हमने। 2 से 3 मिनट हमने चिकन को फ्राई किया। उसके बाद हम इसमें सब्जियां मिलाएंगे। यहाँ हमने एक छोटी प्याज ली है, थोड़ी कैबेज तकरीबन 1/3 कप, 1/4 कप के आसपास हमने कैप्सिकम ली है, और हमने एक छोटा कैरेट भी लिया है चॉप करके। ये सारी सब्जियों को डाल देना है हमें। फ्लेम को हाई रखा है हमने। 2 मिनट सब्जियों को पकाएंगे इस तरह चलाते हुए, तो हमारी चिकन भी गल जाएगी, साथ में थोड़ी थोड़ी सब्जियां भी गल जाएगी। बहुत ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाना है, क्रंची रखेंगे तभी हमारा सैंडविच अच्छा लगेगा। तो बस चलाते हुए इस तरह 1 से 2 मिनट पकाएं। 2 मिनट के बाद 1 हरी मिर्च डालेंगे, छोटा छोटा कट करके। आप तेज़ कम खाते हैं तो हरी मिर्च को अवॉइड करें। 1 टीस्पून भरकर सोया सॉस डालेंगे। हमारा लाइट वाला है इसीलिए हम 1 टीस्पून डाल रहे हैं। अगर डार्क यूज़ कर रहे हैं तो हाफ़ करें। 1/2 टीस्पून के आसपास विनेगर यानी सफ़ेद सिरका। हम थोड़ा चिली सॉस भी डालेंगे, रेड चिली सॉस। ये तकरीबन 2 टीस्पून डाल दिया हमने। तीखा कम खाते हैं तो चिली सॉस को कम डालें। हम इसमें थोड़ी ताज़ी कुटी हुई काली मिर्चें भी डालेंगे अच्छे से फ्लेवर के लिए। ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1/4 टीस्पून के आसपास। हरी प्याज के थोड़े पत्ते डालेंगे। जब हमने चिकन को डाला तब नमक डाला था, बाद में नहीं डाला है क्योंकि ये सारे सॉसेज में नमक होता है। बस इसमें हम 1 से 2 पिंच शक्कर भी डालेंगे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए। बस 1 मिनट चलाते हुए पकाएंगे, फिर फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। मिक्सचर को हमने थोड़ा ठंडा कर लिया। 1 टेबल स्पून भरकर मेयोनीज़ मिला दी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके सैंडविचेस बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बार नमक को ज़रूर टेस्ट करें, ये पॉइंट पर ज़रूरी लगे तो ऐड करें। दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएं, तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com। वहाँ आपको रेसिपी की वीडियो तो देखने मिलेगी ही, साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और बनाने का पूरा तरीका भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दी ना हमने आपकी फरमाइश पूरी, तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। यहाँ पर हमने ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ की है। आप जो भी ब्रेड पसंद करते हैं वो यूज़ करें। साइड्स को हमने कट नहीं किया है, हमने अच्छी तरह से फिलिंग इस पर लगाई। चीज़ की स्लाइस रख देंगे। अगर आप हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं तो मेयोनीज़ ऐड ना करें और चीज़ ना रखें। हमने थोड़ी सी मेयोनीज़ बाइंडिंग के लिए डाली है। आप चाहें तो ये जगह पर गाढ़ा दही यूज़ कर सकते हैं अगर आप हेल्दी तरीके से बना रहे हैं। दूसरी ब्रेड से हमने इसे कवर कर दिया है। थोड़ी थोड़ी ब्रेड पर हम चीज़ डाल देंगे ग्रेटेड, ये मोज़रेला और प्रोसेस्ड दोनों मिक्स करके लिए हमने। सैंडविचेस बेक होने के लिए रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो इसी तरह इन्हें पैन में डालकर पकाएं कवर करके चीज़ मेल्ट होने तक, या ओवन में बेक करें
हम आज इसे अवन में बेक करेंगे चीज़ के मेल्ट होने तक।